मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की जाने हर बड़ी बात। देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से कुछ उम्मीदें पूरी हुई तो कुछ पर पानी फिर गया। देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग को सीधे सीधे टैक्स स्लैब्स में छूट तो नहीं दी, लेकिन घर और वाहन खरीद पर टैक्स छूट का तोहफा जरूर दिया। आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने बजट में कौन कौन से बड़े ऐलान किए। किफायती घरों के लिए लोन पर टैक्स छूट बढ़ी। ब्याज भुगतान पर टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट दी जाती थी, लेकिन अब अतिरिक्त 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी 45 लाख रुपए तक की कीमत वाले अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन लेने वाले को 3.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी। 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपए का लाभ होगा। पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए सेस बढ़ाया गया। गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़कर 12.5% कर दिया गया। नकदी निकासी पर लेवी। बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल पर 2% लेवी देना पड़ेगा। सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेन देन की आदत खत्म करने के लिए लाई है। वहीं डिजिटल पेमेंट पर कंज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या MDR नहीं वसूला जाएगा। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा। इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट मिल जाएगी। 25% के न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा। 400 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया गया है। इससे पहले 250 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इस दायरे में थी। नए फैसले से अब 99.30% कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी, जबकि सिर्फ 0.70% कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 78% वृद्धि। प्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है। वहीं आम नागरिकों की जीवन आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है। अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाता धारक उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं कर पाता है। इससे खाता धारक मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जिससे खाताधार को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है। इस देश की परंपरा नारी तू नारायणी का है। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण को लिखे एक पत्र में कहा था, महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना दुनिया के कल्याण की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले दशक में देश की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार हुआ है। हालिया चुनावों में महिलाओं का रिकॉर्ड टर्नआउट रहा क्योंकि वे पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस सरकार ने मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्वयं सहायता समूह जैसी तमाम योजनाओं से महिलाओं को बढ़ावा दिया है। आगे भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विमेन SHG इंस्ट्रेट सबवेंशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव करती हैं। साथ ही मुद्रा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की हर वेरिफाइड महिला सदस्य को 1 लाख रुपए तक लोन लेने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण रोजगार के लिए सफूर्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेगुलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके। सड़कों को अगले 5 सालों में अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 80,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने सड़क, जलमार्ग और वायु मार्ग को मजबूती प्रदान करने
के लिए मोदी सरकार के लक्ष्यों का जिक्र किया। देश के विकास के लिए 10 दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए सीतारमण ने फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक और मेक इन इंडिया से लेकर ब्लू इकोनॉमिक तक की चर्चा की गई। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को। We'll be right back.